हाय दोस्तों, मैं आपका सागर राजपूत सर जबड़ी राजा में सब किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ। आप देख सकते हो ये गोट फार्म अभी एक किसान भाइयों ने यहाँ पे शुरुआत की है। अभी शाम के 5 बज चुके हैं। अभी ये घास घूस खा के अभी अपने गोडाउन में आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन दुनिया क्या करती है उसके भरोसे मत लगो दोस्तों। इन्होंने एक गोट फार्म चालू किया है। 100-150 बकरी आकर उनके गोडाउन में आ चुकी है। लेकिन इन्होंने क्या मेहनत किया है, कैसा किया है, इसकी पूरी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा दोस्तों। लेकिन शुरुआती के दौर में हर इंसान को मुश्किल की घड़ी बितानी पड़ती है दोस्तों। आप देख सकते हो किसान के लिए एक गोट फार्म बहुत ही अच्छा होता है। चलो मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये गरीब का गोट फार्म है, ठीक है। और ये आप जाली देख सकते हो बराबर, और ऊपर पत्थर है। इसमें 150 गोट से या बकरी है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इनका बगल के साइड में या बाजू में चूल्हा या भट्टी चलती है, उसका धुआं इसके अंदर चलता है दोस्तों, ठीक है। बराबर आप देख सकते हो ना, बहुत ही बढ़िया सा है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बराबर देखिए, बहुत ही बढ़िया सा है ये। देखिए इनके छोटे छोटे बच्चे भी इधर ही रहते हैं, ये आदिवासी लोग हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम प्रमोद भाट के यहाँ पे उनके गोट फार्म पे आ चुके हैं। लेकिन उनसे जानकारी लेते हैं, उन्होंने गोट फार्म या बकरी फार्म, अंग्रेजी में गोट बोलते हैं और हिंदी में बकरी बोलते हैं, बराबर। और हमारे किसान भाई बकरी बोलते हैं, ये बात तो हो चुकी है। लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बराबर। तो इन्होंने रात दिन मेहनत करके, या इनकी खेती है, उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया है हम इनसे जानकारी लेंगे। तो राम राम दादा, मैं सागर राजपूत सरजा बड़ी राजा, अपना चैनल है। उसके बाद मैं हर किसान के पास जाके उनसे जानकारी लेता हूँ, और हर किसान को अपना जो चैनल है उनसे अपनी तरफ से उनको जानकारी मिलती है। तो दादा, अपना नाम जो है अपने किसान भाई को आप बता सकते हो? प्रमोद भाट। हाँ ठीक है। तो देखिए बड़े भाई, जो अब अपने गोट फार्म जब तैयार किया, तो शुरुआत की दौर आपने कैसी बिताई? बकरियां लिए थी पहले। हाँ, 5 बकरियां लिया था मैंने। हाँ, और उसको बढ़ते बढ़ते अभी मेरे पास में 150 बकरी है, 5 की। हाँ, और खेती व्यवसाय पूरक न होने की वजह से ये साइड में साइड बिजनेस के जैसा ये इसको शुरुआत किया है मैंने। तो देखिए दोस्तों, हर किसान मेहनत करता है रात दिन, लेकिन उसके लिए जैसा अपने प्रमोद भाई ने साइड बिजनेस तैयार किया है, तो आप भी तैयार कर सकते हो। साइड बिजनेस यानी क्या? किसान या शेतकरी, बराबर। तो मेरी बात को आप समझ सकते हो, साइड बिजनेस यानी क्या? अंग्रेजी में साइड बिजनेस कहते हैं, मराठी में व्यवसाय मानता राहिला विषय असा। तो शेती करत असताना
किंवा बिजनेस करत असताना साइड बिजनेस म्हणतात दादा, जसं अगर आप समझ सकते हो मेरी बात को, तो देखिए इन्होंने खेती करते समय गोट फार्म तैयार किया हुआ है। अगर अपनी फसल आई या नहीं आई बराबर, तो ये जो गोट फार्म है तो इसको बेचकर या इसकी फसल आकर हमको उसका बेनिफिट या प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों। तो ये प्रमोद भाई ने गोट फार्म इन्वेस्टमेंट न करते हुए इन्होंने ये तैयार किया है। इन्होंने गोट 5 लिए थे, उसके बाद इनके पास 2 साल ना दादा, तीन साल में इनके पास 150 या 150 गोट्स तैयार हो चुके हैं दोस्तों। तो इनका जो गोट्स है इनको प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। तो भाई ने बहुत मेहनत किया है और इनके यहाँ पे सालदार है, इनके पास 16 एकड़ जमीन है। तो बहुत ही सुबह शाम आते हैं, लेकिन इनके वर्कर्स इनका गोट फार्म ये आप देख सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राम राम, जय हिंद, जय भारत।